फ्रेंड्स आपका अपने स्वागत है दोस्तों प्रैक्टिस पे। दोस्तों माइनस को हटाने के लिए लेते हैं और मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है, प्लस हो जाता है। और इसमें क्या करते हैं, ब्रैकेट जो रहता है दोस्तों, तो एन ए पी इस पर भी आएगा, बी पर भी आएगा। और इसी तरह देखो एक्स, जब इसको अपोजिट कर देंगे तो ये प्लस है ना, माइनस हो जाएगा। देखो पाई को ऊपर नीचे कर दिया तो देखो माइनस हो गया है ना, जो कि यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर एक्स लिखना हम भूल गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो यहाँ पर एक्स होगा। ठीक है, आगे देखिए फिर दोस्तों उसी तरह, दोस्तों डिवाइड में क्या होता है कि माइनस डिवाइड का उल्टा माइनस में होता है, पावर माइनस होता है ना। और अगर पावर में होता है तो दोस्तों ये पावर का जो ए होता है वो अंडरस्टैंडिंग आ जाता है और ब्रैकेट लगकर भी नीचे आ जाता है। एग्जांपल दे रखा है दोस्तों, जिसके पास जीरो होता है उसके वैल्यू एक होता है, और ए का बाई और ए बाई का हो जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए 8 का 3 है तो इंटू मल्टीप्लाई किया तो 8 का 2 गुना मल्टीप्लाई किया 3 को, 8 8 8 जा तो 5 5 5 1 2, फिर आ गया 3 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर अंदर में भी पावर है और बाहर में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 3 2 जा 6 आ गया। ओके, और अंडर में अगर मल्टीप्लाई करना हो तो अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इंटू बी, तो 3 2 जा 6। ओके, तो दोस्तों डिवाइड में भी उसी तरह डिवाइड करना हो तो इसको अंदर में डिवाइड कर दो, तो इसे 3 का हो गया तो 3 2 6 1/2। फिर उससे इक्वल होता है जो समान रूप, जैसे कि माइनस था तो माइनस उठाने के लिए क्या करेंगे, 1 लेंगे है ना, तो नीचे 0 आ गया। कितना 0, 8 0, तो फिर इसका कितना 0, तो यानी कि 8 0 पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो पॉइंट उठाने के लिए नीचे आ जाएगा, माइनस अपने आप से हट जाएगा। फिर देखो दोस्तों रूट के अंदर में ए पॉइंट बी है, तो देखिए वो ऊपर चले गया नीचे चला गया, तो इसी तरह से इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए है ना, तो इसी तरह देखो दोस्तों अंदर में भी ए और बी अलग अलग है तो मल्टीप्लाई कर दिया, 8 गुना 5 है तो 8 को अलग 5 को अलग, डिवाइड पावर को माइनस कर देना दोस्तों, तो इससे कट गया तो माइनस उल्टा प्लस होगा, 1/8 अंदर में गुला करेंगे तो 5 3 15, फिर अंदर होगा दोस्तों तो एक तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 3 2 6। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए स्टैंडर्ड में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड में कि सेम होता है, तो इसको हम सेम लिख दिया, 1 13 1 पर कितना 0, 1 2 3 4 5 6 6 0 आ गया, 13/10^6, तो पॉइंट 1 पॉइंट लगा दिया तो 6 है ना, तो इसको ऊपर जब एन प्लस को ऊपर जाएगा पावर में तो माइनस हो जाएगा, तो 5 6। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।